हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब तक तो आप लोगों ने मेरे हिमाचल के ब्लॉग देखे थे, लेकिन अभी मैं आपको जो है कुछ अलग कर रही हूँ। करवा चौथ के बारे में ये ब्लॉग बन रहा है मेरा, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए ब्लॉग में चलते हैं मेरे साथ। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य के लिए करती हैं। कई स्थानों पर यह व्रत कुंवारी कन्या द्वारा भी किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि व्रत में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक स्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। इसके साथ इस दिन बकरतुंड संकटी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। तो इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसकी पूरी विधि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। करवा चौथ का व्रत शुरू किया जाता है सुबह 4 बजे उठकर। इसमें सरघी खाई जाती है जो कि सास द्वारा दी गई होती है, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। फैनियाँ होती हैं, मिठाई होती है, फ्रूट्स होते हैं जो आप लोग खा सकते हैं। और इस व्रत को हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है अपने अपने कल्चर के अनुसार। तो कहीं पे लोग उसी टाइम में पूरी चूड़ियाँ पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, कुछ जगह पे ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग जो है सरगी नहीं भी खाते हैं कुछ जगहों पे। तो आप किसी भी तरह से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जैसा आप पहली बार में इस व्रत को करते हैं उसी तरह से, उसी क्रम में आपको आगे भी इसी तरह से इस व्रत को करना चाहिए। सरगी का सामान और श्रृंगार का सामान सास द्वारा दिया जाता है। सरगी करने के उपरांत दोबारा से सो जाते हैं। उसके बाद फिर अगली सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके फिर व्रत की आगे की विधि शुरू करते हैं। इस पर्व में चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती हैं। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। करवा चौथ का त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में मनाया जाता है। वैसे अब तो पूरे इंडिया में ही मनाया जाता है। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुख बना रहता है। इस साल करवा चौथ के दिन 2 साल के बाद महासंयोग बनने जा रहा है। इस योग से पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। करवा चौथ के दिन पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती और सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रमा को दूध का भोग भी लगाया जाता है। 100 साल के बाद इस बार करवा चौथ के दिन चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है, जिससे बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन शिव योग और या शिववास और स्वार्थ योग भी बन रहा है। इसके कारण इस साल का करवा चौथ काफी शुभ रहने वाला है। जो सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ देंगी उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। करवा चौथ के दिन शिववास रहने के कारण शिव जी के साथ गणेश भगवान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाएं, या आजकल आप जो है तस्वीर भी मिल जाती है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। और फिर दिन में अच्छे से तैयार होके 16 श्रृंगार करने के बाद फिर आप शाम के समय जो है पूजा वाले स्थान पर
चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के वहां पर ये तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर भी स्थापित करें। ये अगर आप अकेले घर में कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे अपने साथ और लेडीज हों, 5-6 लेडीज हों, 8-10 लेडीज हों, जैसे भी आप लोग करना चाहें उस तरह से कर सकते। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, मिठाई, साथ में करवे में जल भरकर रखें। ये तस्वीर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगी। तो यही जो आप चौकी पे रखेंगे लाल, पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद शिव पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करें। अंत में करवा चौथ व्रत की कथा सुने। रात में चांद निकलने के बाद छन्नी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ दें। आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7ों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने को कह के चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह हर टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को
चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत सिरगणेश सिरगणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। बोलो करवा चौथ माता की जय। कथा सुनने के बाद थाली घुमाने का भी प्रचलन है, और इसके बाद फिर शाम को जब चांद निकलता है, चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ दिया जाता है, चांद का इंतजार किया जाता है, क्योंकि इस दिन टाइम से नहीं निकलता है चांद, तो इस दिन चांद का इंतजार किया जाता है। उसके बाद चांद को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोला जाता है। तो चांद को भी इस तरह से अर्घ दिया जाता है। चांद को एकदम से खुली आंखों से नहीं देखा जाता, छन्नी से चांद को देख के छन्नी में पहले जोत जला करके फिर अर्घ दिया जाता है। उसमें फूल, टीका, चावल, जो भी प्रसाद होता है वो चंद्रमा को चढ़ाया जाता है, और फिर चांद को अर्घ देने के बाद फिर उसके साथ ही पति को भी देखा जाता है छन्नी से ही। अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रचलन है, अपने अपने एरिया में अलग अलग तरह से लोग मनाते हैं, लेकिन चांद को अर्घ देने के बाद ही जो है व्रत खोला जाता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि चांद को महिलाएं अर्घ दे रही हैं, उसके बाद जो है जल पी करके फिर जो है ये व्रत खोला जाता है। इसी तरह से चांद को देखा जाता है छन्नी के साथ, फिर अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद जैसे चांद की पूजा करने के बाद फिर पति की पूजा की जाती है, पति को टीका लगाया जाता है, छन्नी से देखा जाता है, फिर पति पानी पिला करके व्रत जो है वो खुलवाते हैं। इसके बाद फिर बड़े बुजुर्गों के भी पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है व्रत खोलने के बाद, और फिर उसके बाद जो है प्रसाद लिया जाता है, बांटा जाता है। जो भी प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया है, चांद को चढ़ाया है, उस वो प्रसाद बांटा भी जाता है और खुद भी खाया जाता है। सभी लोगों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद फिर कुछ प्रसाद खाया जाता है, पहले भोजन करने से पहले कुछ भी प्रसाद मीठा खा के, उसके बाद फिर जो भी कुछ भोजन बना होता भोजन ग्रहण किया जाता है। जो भी अपने अपने शहरों में अलग अलग कल्चर हैं, तो अलग अलग शहरों का अलग अलग खाना है, तो अपने अपने शहरों के हिसाब से जो भी है तो सात्विक भोजन इसमें किया जाता है। कुछ लोग चावल रोटी खाते हैं, पूड़ी सब्जी खाते हैं, अलग अलग तरह का अलग अलग खाना होता है। जो भी मतलब किसी भी जहाँ का जो खाना फेमस होता है या वो खाया जाता है, चावल के साथ सब्जी, रोटी, पूड़ी, ये सब चीज़ें जो है ग्रहण की जाती हैं। तो अभी मैंने ये वीडियो बनाया है करवा चौथ के बारे में, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्योंकि मैंने अभी इस बार अलग ट्राई किया है कुछ, तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें कई तरह के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, हिमाचल के भी ब्लॉग मिलेंगे।